नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं तुला लग्न की कुंडली के अंदर शुक्र की महादशा का फल कैसे देखा जाता है। तुला लग्न की कुंडली के अंदर शुक्र लग्नाधिपति बनकर कुंडली का योग कारक ग्रह राजयोग कर्ता ग्रह बनता है, इसीलिए तुला लग्न की कुंडली के अंदर शुक्र की महादशा का फल निश्चित तौर पे बहुत बहुत अच्छा मिलता है। तुला लग्न की कुंडली के अंदर जब भी शुक्र की महादशा आती है तब पहले भाव से और आठवें भाव से जो जो चीजें देखी जाती है और शुक्र के कारक तत्व में जो जो चीजें आती है वो सारी बातों का फल देखने को मिलता है। प्रथम भाव से क्या क्या देखा जाता है, व्यक्ति का व्यक्तित्व, रूप, रंग, शारीरिक ढांचा, इंप्रेशन, आचार विचार, संस्कार, चारित्र। आठवें भाव से क्या क्या देखा जाता है, आयुष्य, मृत्यु, गुड ज्ञान, अचानक धन लाभ, असाध्य रोग, अपमान, मान हानि, एक्सीडेंट। शुक्र के कारक तत्व में क्या क्या आता है, मौज, शौक, घूमना फिरना, आनंद, प्रमोद, प्रेम, प्रेमिका, पत्नी, संबंध, सर्व प्रकार के भौतिक सुख, सर्व प्रकार के सांसारिक सुख, ये सारी बातें आती है। तो जब भी शुक्र की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत दशा आती है तब पहले भाव से और आठवें भाव से जो जो चीजें देखी जाती है और शुक्र के कारक तत्व में जो जो चीजें आती है वो सारी बातों का फल देखने को मिलता है। शुक्र पहले और आठवें स्थान का स्वामी बनकर जो भी भाव में बैठा होगा उस भाव के अनुरूप फल देखने को मिलता है, उस भाव के द्वारा फल देखने को मिलता है। फॉर द एग्जाम्पल, शुक्र पहले और आठवें स्थान का स्वामी बनकर चौथे भाव में मित्र राशि का होकर बैठा है तो हम कहते हैं कि जब भी शुक्र की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत दशा आएगी तो व्यक्ति को नया मकान, वाहन, प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनेंगे, व्यक्ति स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी जीवन जिएगा, व्यक्ति दीर्घ आयु प्राप्त करेगा और गुड शास्त्रों के अंदर रुचि लेगा। अभी हम लोग देखेंगे कि तुला लग्न की कुंडली के अंदर जब भी शुक्र की महादशा का फल देखना हो तो उसके दो सटीक नियम कौन से हैं। उसमें से पहला नियम मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जन्म कुंडली के अंदर शुक्र जो भी राशि में बैठा होगा उसी राशि को लग्न भाव में रखकर पूरी जन्म कुंडली को घुमा दिया जाए तो दशा कुंडली बनती है। फॉर द एग्जाम्पल, कि शुक्र धनु राशि में बैठा है तो धनु राशि को ही लग्न में रखकर पूरी जन्म कुंडली को घुमा देते हैं तो दशा कुंडली बन जाती है जो हमने बनाकर रखी है। दशा कुंडली के अंदर आप देखिए कि दशम भाव के अंदर बुध उच्चका होकर भद्रयोग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है और हमें इसका प्रेडिक्शन करना है तो कैसे किया जाए। पहले तो जन्म कुंडली में देखते हैं कि शुक्र लग्नाधिपति बनकर कुंडली का कारक ग्रह बनता है, बुध भाग्याधिपति बनकर कुंडली का कारक ग्रह बनता है, बुध और शुक्र आपस में एक दूसरे के साथ नैसर्गिक मित्रता का संबंध रखते हैं, इसीलिए शुक्र की महादशा के अंदर जब भी बुध की अंतरदशा आएगी तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति को नौकरी में पद की प्राप्ति होगी, व्यापार में उन्नति, प्रगति, विकास प्राप्त होगा, समाज के अंदर पद और प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। बुध सातवें स्थान का भी स्वामी है तो कह सकते हैं कि अगर व्यक्ति कुंवारा होगा तो उसके विवाह के योग बनेंगे, शादीशुदा होगा तो कह सकते हैं कि उसके पत्नी के मान सम्मान में वृद्धि होगी या उसकी पत्नी को कोई पद की प्राप्ति होगी, इस प्रकार से प्रेडिक्शन किया जाता है। अभी हम लोग दूसरा नियम देखेंगे कि शुक्र की महादशा 20 साल की होती है, इस 20 वर्षों को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए तो हर हिस्से के अंदर 6 साल 8 महीने का समय आता है। शुक्र की महादशा का जो पहला हिस्सा आता है 6 साल 8 महीने, उसके अंदर शुक्र जिस भाव में बैठा होगा उस भाव का फल देखने को मिलता है। शुक्र की महादशा का जो दूसरा हिस्सा आता है 6 साल 8 महीने, उसके अंदर शुक्र की जो मूल त्रिकोण राशि है तुला राशि जो प्रथम भाव में है तो प्रथम भाव से लगती सारी बातों का फल देखने को मिलता है। शुक्र की महादशा का जो तीसरा हिस्सा आता है 6 साल 8 महीने, उसके अंदर शुक्र की जो दूसरी राशि है वृषभ राशि जो अष्टम भाव में है तो आठवें भाव से लगती सारी बातों का फल देखने को मिलता है। अगर जन्म कुंडली के अंदर शुक्र शुभ स्थिति में होगा तो ये सारी बातों का बहुत अच्छा फल देखने को मिलेगा, और अगर कुंडली के अंदर शुक्र नीचका होगा, नवमांश में नीचका होगा, पाप ग्रहों से दृष्ट होगा तो ये सारी बातों का फल अच्छा देखने को नहीं मिलेगा।
अभी हम लोग जनरल स्टडी करते हैं कि तुला लग्न की कुंडली के अंदर शुक्र योग कारक ग्रह लग्नाधिपति बनकर बैठा है तो शुक्र की महादिशा का फल निश्चित तौर पे बहुत अच्छा मिलता है। सबसे पहले हम प्रथम भाव को लेके बात करेंगे कि तुला लग्न की कुंडली के अंदर जब भी शुक्र की महादिशा आएगी तो व्यक्ति की शारीरिक तंदुरुस्ती में सुधार होगा, व्यक्ति सर्व प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति करता है, व्यक्ति के खान पीन में, रहन सहन में, पहरवेश में बहुत ज्यादा सुधार हो जाता है और व्यक्ति के रिश्तों में प्रेम की वृद्धि होती है, व्यक्ति सर्व प्रकार के सांसारिक सुख और भौतिक सुखों की प्राप्ति करके समाज के अंदर मान सम्मान प्रतिष्ठा यश जस कीर्ति प्राप्त करता है। अभी हम आठवें भाव का स्टडी करेंगे कि तुला लग्न की कुंडली के अंदर जब भी शुक्र की महादशा आती है तो व्यक्ति स्वस्थता भरा निरोगी जीवन व्यतीत करता है, व्यक्ति ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, रत्न शास्त्र, तंत्र मंत्र यंत्र जैसे गुण शास्त्रों में रुचि लेने लगता है। अगर शुक्र का संबंध चौथे और ग्यारहवें स्थान के स्वामी के साथ हो, युति प्रतियुति का संबंध होता हो तो व्यक्ति को खानदानी प्रॉपर्टी यानी कि पैतृक संपत्ति मिलने के भी योग बनते हैं। अभी हम कारक तत्व के बारे में स्टडी करेंगे कि अगर तुला लग्न की कुंडली में शुक्र की महादशा आती है तो व्यक्ति किसी को बे इंतहा प्यार करता है, अगर किसी को प्यार करता हो तो प्रेम विवाह के योग बनते हैं। शुक्र की महादशा के अंदर व्यक्ति को देश विदेश की सफर के योग बनते हैं या फिर व्यक्ति धार्मिक यात्रा तीर्थ यात्रा करता है, व्यक्ति अपना जीवन आनंद प्रमोद और ऐश्वर्य के साथ बिताता है, प्रेम प्रेमिका पत्नी और संबंधों का सुख उसे उत्तम प्राप्त होता है। जो लोग कला सीखना चाहते हो जैसे कि गीत संगीत नृत्य वाजिंत्र तो शुक्र की महादशा को सर्वोत्तम मानते हैं। जो व्यक्ति फिल्म सिटी टीवी सीरियल कोरियोग्राफी मेकअप आर्टिस्ट फैशन डिजाइनिंग जैसे कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहता हो तो भी शुक्र की महादशा को सर्वोत्तम माना गया है। अभी हम लोग जानेंगे कि तुला लग्न की कुंडली के अंदर शुक्र योग कारक ग्रह है तो शुक्र की महादशा के पूरे 20 साल अच्छे नहीं जाएंगे। जब भी उसमें कुंडली के मारक ग्रहों की अंतर्दशा आएगी तो बिल्कुल अच्छा फल नहीं मिलेगा। तुला लग्न की कुंडली के अंदर गुरु मंगल और सूर्य ये तीनों तीन कुंडली के मारक ग्रह हैं और इसीलिए शुक्र की महादशा के अंदर जब भी गुरु की अंतर्दशा मंगल की अंतर्दशा और सूर्य की अंतर्दशा आएगी तो बिल्कुल अच्छा फल नहीं मिलेगा। ठीक उसके विपरीत तुला लग्न की कुंडली के अंदर लग्नाधिपति शुक्र पंचमाधिपति शनि भाग्याधिपति बुध ये तीनों तीन कुंडली के कारक ग्रह हैं तो जब भी कारक ग्रहों की अंतर्दशा आएगी तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल मिलेगा। सिर्फ शर्त यह है कि ये कुंडली के अंदर शुभ स्थिति में होने चाहिए। इसीलिए शुक्र की महादशा के अंदर शुक्र की अंतर्दशा उसके बाद शनि की अंतर्दशा बुध की अंतर्दशा का बहुत अच्छा फल मिलता है। अगर कुंडली के अंदर राहु केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो तो राहु की अंतर्दशा का भी बहुत अच्छा फल मिलता है। अभी हम लोग जानेंगे कि अगर कुंडली के अंदर शुक्र कमजोर हो निर्बल हो तो उसके लिए क्या उपाय करने चाहिए। सबसे पहला उपाय ओम ह्रीम शुक्राय नमः, ओम ह्रीम शुक्राय नमः ये मंत्र का रोज 108 जाप करें और उनके आशीर्वाद लें। कुंवारिकाओं और स्त्रियों का मान सम्मान करें। तुला लग्न की कुंडली वालों को अपनी कुंडली किसी अच्छे विद्वान ज्योतिषकार को दिखाने के बाद उनकी सलाह लेने के बाद आप शुक्र का रत्न हीरा पहन सकते हो। अगर शुक्र का हीरा नहीं पहन सकते तो आप उसका उपरत्न ओपल भी पहन सकते हो। लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करनी चाहिए। शुक्रवार के दिन आप सफेद गाय को चारा खिला सकते हो या फिर आप तांबे के एक लोटे के अंदर पानी भरकर उसमें सफेद चंदन या फिर सफेद कलर का कोई फूल रखकर आप सूर्य को अर्घ दे सकते हो और सूरज की जो किरणें हैं वो पानी में से पास होके कॉस्मिक रेस आपके शरीर पे पड़ते हैं जिससे आपको बहुत लाभ होता है। प्रिय दर्शकों तुला लग्न की कुंडली के अंदर शुक्र की महादशा निश्चित तौर पे बहुत 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 अच्छा फल देती है। प्रिय दर्शकों आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना सब्सक्राइब करना। नमस्कार।